प्रभु यीशु मसीह प्रतिद्वंदी राजाओं का दृष्टांत बताते हैं। इसका विवरण बाइबल में हमको लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय की 25वीं से 32वीं आयतों में मिलता है। यह दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह उस समय बताते हैं जबकि वे गलील से यरूशलेम की यात्रा कर रहे थे। उनकी सेवकाई का अंतिम भाग था। एक बड़ी भीड़ उनके साथ थी। लोग उनको सांसारिक राजा बनाना चाहते थे। लोगों ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने भूखों को खिलाया है। वो सोचते थे यदि यह राजा बन जाएगा तो कोई भूखा ना होगा। लोगों ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा किया है। वो सोचते थे अगर ये राजा बन जाएगा तो कोई बीमार ना होगा। लोगों ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों को जिलाया है। वो सोचते थे कि अगर ये राजा बन जाएगा तो हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे और ऐसा ही राजा हमको चाहिए जो रोमी सम्राट की भ्रष्टता से हमको मुक्त करा सके। प्रभु यीशु मसीह इन परिस्थितियों में दो प्रतिद्वंदी राजाओं का दृष्टांत बताते हैं और वो ये बताते हैं कि हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की जो कीमत है उसको समझना है। प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता के मूल का पूर्व ज्ञान कराने के लिए उसने यह दृष्टांत लोगों को बताया जिससे कि वो उसकी शिष्यता का अर्थ समझ सकें। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता था कि अधूरे ज्ञान और अधूरी समझ से लोग उसके पीछे चलें। इस दृष्टांत में दो राजाओं का वर्णन है। जो सामर्थी राजा है, जो शक्तिमान राजा है, वो परमेश्वर है, और जो कमज़ोर राजा है वो हम हैं। वो विश्वासी मनुष्य है, वो एक पापी मनुष्य है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं या कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले विचार ना करे कि दूसरा राजा 20,000 सैनिकों को लेकर मुझ पर चढ़ाई करने वाला है और मेरे पास तो मात्र 10,000 सैनिक हैं। शायद बेहतर ये होगा कि मैं संदेश भेजकर मेल मिलाप की बात कर लूं। इस बात को समझाते हुए प्रभु यीशु मसीह यह दृष्टांत लोगों को देते हैं। स्वामी, क्या बात है, आप अभी तक जाग रहे हैं और बड़े व्याकुल से लग रहे हैं। हाँ महारानी, अभी अभी गुप्तचर ने यह सूचना दी है कि हमारा पड़ोसी शत्रु राजा बहुत बड़ी सेना लेकर चढ़ा रहा है। तो महाराज, इसमें घबराने की क्या बात है, आप तो उनसे युद्ध करने को तैयार थे, फिर हमारे पास भी तो 10,000 सैनिक हैं। लेकिन गुप्तचर की सूचना के अनुसार उसके पास 20,000 सैनिक हैं महाराज। क्या 20,000 सैनिक? स्वामी, अब तो आप ही बताएं कि युद्ध नीति क्या कहती है। हमारे 10,000 सैनिक दूसरे राजा के 20,000 सैनिकों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बिना सोचे विचारे युद्ध में नहीं जाया जाता महारानी। अन्यथा जनधन की हानि होती है। ऐसी स्थिति में नीति यही कहती है कि अपनी शक्ति का आकलन कर
युद्ध से दूर रहना ही हित का है। समझदारी इसी में है कि शत्रु राजा से संधि कर ली जाए। राजन, यही उचित नीति है। गुप्तचर को आदेश दें कि वह दूतों के साथ जाकर संधि प्रस्ताव रखें, ताकि युद्ध से बचा जा सके। इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा सामर्थी राजा है। हम कमजोर राजा के समान हैं। एक राजा है जो आत्मिक राजा है, जो परमेश्वर है, जिसका राज्य अनंत का है, और एक राज्य है जो मनुष्य सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं। जो हम एक कमजोर राजा के समान होकर के अपनी सांसारिक नजरों से देख सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध ना करें। पाप परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध है। आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार कर लें, हम परमेश्वर के राज्य को स्वीकार कर लें, क्योंकि उसका राज्य अनंत का है। वो हमको अनंत जीवन देने को तैयार है। हमें उसके साथ युद्ध नहीं करना है, हमें उसके साथ मेल मिलाप करना है। और जब हम उसके साथ मेल मिलाप कर लेंगे तो वो अनंत जीवन का दान हमें देगा, अपने राज्य में हमें शामिल कर लेगा। हम उसकी अनंत मीरास के भागी हो जाएंगे। इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह यही शिक्षा मुझको और आपको देना चाहते हैं।